अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज़रत के साथ मैं हूँ शाहिद मेतला। आज इस्लामाबाद में अफगानिस्तान में जन्म लेते इंसानी बहरान के हवाले से ओआईसी के वज़रा खारजा कौंसिल का गैर मामूली इजलास हुआ, जिसमें 70 वफूद ने शिरकत की है। 20 वज़रा खारजा की जानिब से शिरकत की गई है, 10 वज़रा ममलिकत की सतह पर वफूद ने शिरकत की है, 40 दूसरे वफूद ने शिरकत की है। नुमाइंदगान खुसूसी बराए अफगानिस्तान P5 के भी मौजूद थे, इंटरनेशनल मालियाती इदारों के नुमाइंदगान भी इस सेशन का हिस्सा थे, और UN के सेक्रेटरी जनरल का स्टेटमेंट भी पढ़ के सुनाया गया। इजलास में बताया गया कि अगर बर वक्त इंसानी इमदाद अफगानिस्तान को फराहम नहीं की जाएगी तो वहां पे इंसानी बहरान मजीद शदीद हो जाएगा, जो ऑलरेडी शदीद है। इस हवाले से सेक्रेटरी जनरल के नुमाइंदे ने कुछ हकायक भी सेशन में रखे, जिसके मुताबिक 50% अवाम रोजमर्रा के अखराजात करने से कासिर है, 70% असातिज़दा ऐसे हैं जिनको तनख्वाहें नहीं दी जा रही हैं, 29% बेरोजगारी में इजाफा हो गया, खुराक की किल्लत का भी शदीद सामना है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी एड्रेस किया, उन्होंने कहा कि जो इंटरनेशनल कम्यूनिटी जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से कदगने पाबंदियां लगा रही है अफगानिस्तान पे, आइडिया ऑफ ह्यूमन राइट्स हर कल्चर का डिफरेंट होता है। उन्होंने कहा कि ख्वातीन के हकूक के हवाले से, लड़कियों की तालीम के हवाले से अफगानिस्तान को तवज्जो देने की जरूरत है, लेकिन आइडिया ऑफ ह्यूमन राइट्स हर कल्चर का डिफरेंट होता है। उन्होंने कहा महाजरीन और दहशतगर्दी का एक्सपोर्ट बढ़ सकता है अगर इस बहरान पर काबू ना पाया गया। इस हवाले से 7 तजावीज भी ओआईसी में पाकिस्तान की जानिब से दी गई हैं। उन्होंने कहा है कि फौरी तौर पर अफगान अवाम की मदद करनी चाहिए, तालीम सेहत के हवाले से सरमायाकारी हो, बैंकिंग सेक्टर को सहूलियात फराहम करनी चाहिए, खुराक की फराहमी मुमकिन बनानी चाहिए, और इंसदाद दहशतगर्दी और मंशियात के खात्मे के लिए अफगान इदारों की मदद करनी चाहिए, और इंसानी हकूक ख्वातीन और लड़कियों के हकूक के हवाले से भी अफगान हुकाम को एंगेज किया जाना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा ने भी कहा है कुछ मजीद टाइम भी उनको दिया जाना चाहिए। इन तमाम इशूज पर बात करेंगे। बहुत बड़ा सेशन हुआ है ओआईसी के वज़ीर ख़ारजा की कौंसिल का, गैर मामूली इजलास है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा ना सिर्फ कॉन्ट्रीब्यूशन है बल्कि अचीवमेंट भी है। इस हवाले से अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सफीर मंसूर अहमद खान साहब से बात करेंगे। मंसूर अहमद खान साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इंसानी बहरान अफगानिस्तान में जन्म ले रहा है, उस तनाजर में ओआईसी के वज़रा खारजा कौंसिल का यह गैर मामूली इजलास कितनी अहमियत का हामिल है? जी बहुत शुक्रिया मेहता साहब। ये जो ओआईसी के वज़रा खारजा की काउंसिल का जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन आज हुआ है, ये बहुत ही मुनासिब वक्त पे हुआ है, बहुत टाइमली सेशन है, क्योंकि अफगानिस्तान में एक इंसानी बहरान ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा हो चुका है और वो संगीन होता जा रहा है। वहां पे गजाई अजनास की किल्लत है, एसेंशियल जरूरियात की जो चीजें हैं वो उसमें जैसे दवाइयां हैं उनकी शॉर्टेज है। इसके साथ ही वहां पे अफगानिस्तान में चूंकि फंडिंग के चैनल्स नहीं हैं, बैंकिंग चैनल्स रिस्ट्रिक्शंस की वजह से और उनके फंड्स फ्रोजन होने की वजह से बंद हैं, तो उनको अस्पतालों में या स्कूलों में जो स्टाफ है या डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, उनको तनख्वाहें देने में भी दुश्वारी हो रही है, और इस किस्म की जो सिचुएशन पैदा हो रही है उससे अफगानिस्तान के अवाम सफर कर रहे हैं, बेचैनी बढ़ रही है उनमें, और वो फिर बहुत से लोग वहां से निकलने की कोशिशों में भी मसरूफ रहते हैं। तो इस लिहाज से ये बहुत ही मुनासिब वक्त पे सेशन हुआ है, और इसमें मैं समझता हूँ कि जो इसका अलामिया जारी हुआ है, जो रेजोल्यूशन अडॉप्ट हुई है, उसमें बहुत अहम चीजें आई हैं, और 3-4 अहम चीजें तो उसमें ये है कि सबसे पहले ओआईसी ने ट्रस्ट फंड, ह्यूमैनिटेरियन ट्रस्ट फंड एस्टेब्लिश करने का ऐलान किया है, जिसमें अब उसकी मोडेलिटीज तय होने के बाद हमें उम्मीद है कि जो ओआईसी के ममालिक हैं वो उसमें मुख्तलिफ प्लेजेस कर सकेंगे। फिर एक उनके लिए जो फूड सिक्योरिटी का निजाम ओआईसी अपने मैकेनिज्म के जरिए तब्दील करने के लिए इकदाम करेगा, तो जिस तरह गंदम है या दूसरी चीजें हैं, चावल है, शुगर है, इनकी कमोडिटीज मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक की तरफ से हमें उम्मीद है इसमें आ सकेंगी। और तीसरा, फिर ओआईसी ने अपना एक स्पेशल एनवॉय नामजद किया है अफगानिस्तान की सिचुएशन, ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन को देखने के लिए। ये एक बहुत खुशगवार इकदाम है, इस तरह ओआईसी का डायरेक्ट फोकस रहेगा अब अफगानिस्तान के अंदर की सिचुएशन पे। तो मेरे ख्याल में बहुत ही मुनासिब वक्त पे सेशन किया है, और पाकिस्तान को इसका क्रेडिट इसलिए जाता है कि सऊदी अरेबिया के इनिशिएटिव
पे या सऊदी अरेबिया के साथ कोलैबोरेट करके तमाम इस्लामी ममालिक को यहाँ पे लाना। वज़राए खारजा लेवल पे बहुत से थे, बहुत से आपने जिस तरह बताया मिनिस्टर ऑफ स्टेट लेवल पे थे, और फिर बैन अल-अक़वामी बरादरी के बहुत अहम लोग, P5 के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे, EU, UN और बहुत सी इंसानी तंजीमों के लोग मौजूद थे। तो ये बहुत ही कामयाब सेशन था हमारे ख्याल में। बिल्कुल सही है। अगर फौरी इकदाम नहीं किए जाते हैं तो किस तरह के चैलेंजेस का अफगानिस्तान के हवाले से सामना करना पड़ सकता है, किस तरह का बहरान देखने में आएगा? देखिये, अफगानिस्तान की मईशत 15 अगस्त के बाद से जो चीज आई थी बतदरीज गिरती जा रही है, उसमें एक्टिविटी कम होती जा रही है, जिसकी वजह से एक तो मैंने जो दुश्वारियां आपको पहले बताई वो हो रही है, लेकिन साथ ही बिजनेस और इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होने की वजह से लाइवलीहुड्स जो है नौकरियां मौजूद नहीं, और जब लोगों के पास नौकरियां नहीं होती तो उनके पास फिर उनके मौशी मसाइल में इजाफा होता है, मौशी वसाइल की कमी होती है, तो उससे फिर जो इंसानी बुहरान जन्म ले चुका है वो फिर शदीद तर होता जा रहा है। फिर वहां पे एक सर्दी का मौसम भी बड़े शदीद आजकल जारी है, और 3-4 साल से अफगानिस्तान में ड्राउट या खुश्क साली चल रही है। तो इन तमाम चीजों की वजह से सूरत हाल पर अगर ये इकदाम ना लिए गए तो जिस तरह वजीर आजम ने भी कहा, पाकिस्तान के वजीर खारजा ने भी कहा, और जो लोग इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आए, जो इस्लामी दुनिया के ममालिक के रिप्रेजेंटेटिव्स या दूसरे जो लोग शिरकत किया है, उन्होंने भी इस बात का इरादा किया कि वहां के ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन अच्छी नहीं है और बहुत जल्दी इकदाम करने की जरूरत है। बिल्कुल सही है। आलमी बिरादरी से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, स्पेशली अमेरिका से, कि अमेरिका रिलैक्स कर देगा? एक तो अफगानिस्तान के फ्रोजन अकाउंट्स है $9.5 बिलियन के, उनको अनफ्रीज किया जा सकेगा, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये हो जाएगा और अमेरिका अब माशी एतबार से तावन करना शुरू कर देगा अफगानिस्तान से? इस एंगेजमेंट के नतीजे में ये तवक्को की जा सकती है कि अगर इमीडिएटली यकमुश्त तमाम जो रिजर्व्स को फ्री अनफ्रीज नहीं भी किया जाता तो कम से कम जिस तरह अमेरिका ने अभी अलाउ किया है और उसके नतीजे में यूएन की कुछ तंजीमें वहां ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए फंड्स ला सकती हैं और ला रही हैं, इस तरह मजीद इजाजत दी जाए कि ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज के लिए फंड लाए जा सकें और वहां पे जो हुकूमत है उसको भी कुछ इस तरह इमदाद की जाए कि वो जो लोगों की जो उनके हुकूमत के एम्प्लॉयज हैं वो भी, उनको भी तनख्वाहों की जरूरत है, उनको भी अपनी जिंदगी को आगे चलाने के लिए वसाइल की जरूरत है, तो उनके लिए भी इस किस्म के रिसोर्सेज गवर्नमेंट को मयसर हों कि वो अपना काम आगे चला सके। तो मेरा ख्याल है कि ये स्टेप बाय स्टेप, ये एक स्टेप था OIC की कॉन्फ्रेंस ने इसमें एक उम्मीद की सूरत पैदा की है, लेकिन प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने पड़ेंगे और आज तमाम मुकर्ररीन ने, तमाम जो पार्टिसिपेंट्स हैं ने इस बात को हाईलाइट किया है कि इन स्टेप्स को जल्दी लेने की जरूरत है। बिल्कुल सही है। मंसूर साहब, अफगानिस्तान के वजीर खारजा के हवाले से पाकिस्तानी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है और इमरान खान साहब ने भी बात की है कि आइडिया ऑफ ह्यूमन राइट्स डिफरेंट होता है हर मुल्क में, लड़कियों की तालीम के हवाले से, औरतों के हकूक के हवाले से और बेसिक ह्यूमन राइट्स के हवाले से इमरान खान साहब ने भी कहा है कि उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। दूसरी जानब वजीर खारजा कह रहे हैं कि उनकी अफगानी वजीर खारजा से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि उन शरायत पर अमल दरामद करने के लिए तैयार है। तो पाकिस्तान ने एक तो इस पर कितना ज्यादा फोकस किया है और अफगानिस्तान को ऐलान करने में क्या अब मज़ाइका दरपेश है? देखिए, अफगानिस्तान के साथ अब गुज़िश्ता 3-4 माह से ये डायलॉग जो चल रहा है, इसमें वसीउल बुनियाद हुकूमत बनाने की बात होती है या ह्यूमन राइट्स की जो बात होती है, जिसमें खास तौर पर वुमेन राइट्स, लड़कियों के स्कूल जाने की इजाजत और उनके लिए ऐसे माहौल का मुहैया होना जहां वो स्कूल जा सकें, या काउंटर टेररिज्म के मैयज हैं, तो इन सारी चीजों पर डायलॉग बतदरीज आगे बढ़ रहा है। और ये बात भी अहम है कि अफगानिस्तान के कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को देखना भी जरूरी है, जिसमें वजीर आजम ने भी कहा, हमारे वजीर खारजा ने भी इस बात का मुख्तलिफ मीटिंग में जिक्र किया कि ये ह्यूमन राइट्स या वुमेन राइट्स, ये सारे इशू कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक होते हैं, लेकिन इस बात को दुनिया मानती है कि कल्चरल कॉन्टेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है,
लेकिन मेरा ख्याल है कि इन राइट्स की अहमियत भी बहुत जरूरी है ताकि अफगानिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के और बैन अल-अक़वामी बरादरी के दरमियान जो गैप है उसमें कमी आए। और उसके लिए ये जरूरी है कि अफगानिस्तान की हुकूमत भी कुछ फ्लेक्सिबिलिटी शो करे इन डिमांड्स के मामले में, और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी अफगानिस्तान की सूरत हाल को देखते हुए उसमें कुछ मियाना रवि इख्तियार करे। नहीं, अब अफगानिस्तान का अफगानी वजीर खारजा का, चूंकि पाकिस्तानी वजीर खारजा ने इस हवाले से रेफरेंस भी कोट किया, उन्होंने कहा बात हुई है, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? हमारे पाकिस्तानी वजीर खारजा तो कह रहे हैं कुछ मजीद टाइम दिया जाए। देखिए, अफगानिस्तान की जो हुकूमत है वो फॉर ह्यूमन राइट्स या वुमेन राइट्स या लड़कियों के स्कूल जाने की जो मामलात हैं उनमें वो ये कहते रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें इस चीज से इख्तलाफ नहीं है। इस्लाम में तालीम की इजाजत दी गई है लड़कों को भी लड़कियों को भी, और इस सिलसिले में जो उनकी हुकूमत ने इकदाम किए हैं अब तक 12 या 13 प्रोविंसेस में ये तालीम का सिलसिला हाई स्कूल लेवल पे लड़कियों का, खवातीन का शुरू हो चुका है। और अब चूंकि वहां सर्दी की वजह से स्कूल और कॉलेजेस बंद हैं और ये खुलेंगे फरवरी मार्च में, तो हमें उम्मीद है, अफगानिस्तान की हुकूमत भी कोशिशें कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोविंसेस में तालीम का सिलसिला। तो इस हवाले से आम ऐलान क्यों नहीं कर दिया जाता कि लड़कियों को तालीम हासिल करने की इजाजत है, खवातीन अपनी मर्जी से काम भी कर सकती हैं और अपने रोजमर्रा के जो भी फराइज है वो अंजाम दे सकती हैं, ऐसा ऐलान किया जा सकता है? जी, ये तो फिर अफगान हुकूमत के ऊपर ही मुनहसर है, और ये चूंकि उनका अपना मामला है, दुनिया उनके साथ डायलॉग में, उनके हमसाया ममालिक भी उनको इस चीज की तरफ उनको तरजीह देने के लिए उनके साथ इस ये बात का इसरार करते रहते हैं, लेकिन और उनकी कुछ रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी भी इसमें मुश्किलात उनकी हैं, तनख्वाहों का मामला है, जब वो सारे स्कूल खोलेंगे तो लाजिम बात उनके लिए टीचर्स की तनख्वाहों की अवेलेबिलिटी जरूरी है। लेकिन मेरा ख्याल है कि तालीम बहुत अहम है लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी, पूरी नेशन के लिए। बिल्कुल सही है मंजूर साहब। आज इंडिया ने भी जो अफगानिस्तान का ह्यूमन क्राइसिस है इस हवाले से वस्ती एशियाई ममालिक का इजलास किया है, कोई 5 वस्ती एशियाई ममालिक के वज़रा खारजा उस इजलास उस डायलॉग का हिस्सा भी हैं, तो ये हमारे ओआईसी का जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इजलास हुआ है उसका जवाब था? नहीं देखिये, ये उनका मेरा ख्याल है कि उनकी अपनी मीटिंग थी, मैं ये तो नहीं कहूंगा जवाब था, लेकिन बात यह है कि अफगानिस्तान के अंदर तमाम ममालिक को एक मुस्बित किरदार अदा करने की जरूरत है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक मुस्बित किरदार अदा करने की जरूरत है। भारत के साथ जो हमारा शिकवा, पाकिस्तान का ये शिकवा रहा है कि उन्होंने अफगानिस्तान की सरजमीन को गुज़िश्ता कई सालों में, गुज़िश्ता 20 साल के दौरान बारहा ऐसी एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल किया जो कि पाकिस्तान के हक में नहीं थी, पाकिस्तान के खिलाफ टेररिज्म के लिए इस्तेमाल किया वहां पे एलिमेंट्स को मुख्तलिफ। तो मेरा ख्याल है कि उस सूरत में भी हम हमेशा इसी बात पे इसरार करते रहे कि अफगानिस्तान के अंदर अफगान तमाम ममालिक को एक मुस्बित किरदार अदा करना चाहिए और अफगानिस्तान की सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। और हमें उम्मीद है कि आइंदा अब जो अफगानिस्तान अमन की राह पे चला है और यहाँ पे अमन और इस्तेहकाम में हम इजाफे के लिए इकदाम ले रहे हैं तो तमाम ममालिक एक मुस्बित किरदार अदा करेंगे अफगानिस्तान के अंदर अमन और तामीर और तरक्की में। बहुत शुक्रिया मंसूर अहमद खान साहब आपके वक्त का। ब्रेक के बाद बात करेंगे, खैबर पख्तूनख्वा में बलदियाती इंतखाबात हो रहे हैं, कुछ बदअमनी के वाकयात भी हुए हैं, 5 अफराद खुदकुश हमले में हलाक भी हुए हैं और दिगर इसी तरह के वाकयात हुए हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद उस पर बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आज केपीके में बलदियाती इंतखाबात हो रहे हैं, 17 इजला में ये इंतखाबात कंडक्ट किए जा रहे हैं, बदअमनी के कुछ वाकयात भी हुए हैं, 5 से ज्यादा हलाकतें कोट की जा रही हैं कि 5 से ज्यादा हलाकतें हो गई हैं, बम धमाका भी हुआ है, फायरिंग के भी वाकयात हुए हैं। वफाकी वजीर शिपली फराज साहब कोहाट में थे, उन पर भी फायरिंग का वाकया हुआ है जिसमें उनके ड्राइवर भी जख्मी हुए हैं। धांधली के इल्जाम भी लग रहे हैं कि पीटीआई की जानिब से धांधली की गई है और इसी सिलसिले में पीटीआई के एक रहनमा हलीम चराजी को गिरफ्तार भी किया गया, उनकी अहलिया को भी गिरफ्तार किया गया। इसी मौजू पर बात करेंगे, हमारे साथ
अजमत गुल ब्यूरो चीफ है न्यूज वन के, वो होंगे गुलाम अहमद बलोच साहब, सीनियर दानमय एएनपी के शौकत यूसुफ साहब, यूसुफ जई साहब सुबाई वजीर हैं, और सीनियर दानमय पीटीआई के। बहुत शुक्रिया आप तीनों अहबाब का। सबसे पहले अजमत गुल, मैं आपसे शुरू कर लेता हूं, अमनो अमान की सूरत हाल के बारे में बताइए, टर्न ओवर कितना ज्यादा रहा, और सवाबी और नौशहरा के इंतखाबात को बड़ी ज्यादा अहमियत हासिल है, परवेज खटक साहब है, असद कैसर साहब है, वहां क्या पोजिशन है? जी बिल्कुल, पिशावर समेत पूरे सूबे में इंतखाबात के लिए तकरीबन 70,000 से ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकार तैनात कर दिए गए थे। बाजौड़ में अफसोसनाक वाक़या रहनुमा हुआ है जिसमें दो अफराद शहीद हो चुके हैं, जबकि इसी तरह डी आई खान में भी छोटा सा एक धमाका हुआ है जिसमें एक बंदा जख्मी है, जबकि ओवरऑल सिक्योरिटी के और अमनामान के हवाले से पुलिस और जो सिक्योरिटी इदारे थे उन्होंने तकरीबन 70,000 से ज़्यादा पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए थे, जबकि क्विक रिस्पांस यूनिट और एमसी के जवान भी जगह जगह पर तैनात कर दिए गए थे, जबकि दूसरी जानब जो अब रिजल्ट का आना भी शुरू हो चुका है, तकरीबन 10-15% तक रिजल्ट आ चुके हैं, टर्न आउट तकरीबन 52% देखने में नजर आया है, और अब तक नौशेरा और सवाबी में कहीं पे पीटीआई की बढ़तरी हासिल है तो कहीं पर जमीयत उलमा इस्लाम, और इसी तरह सवाबी में भी पीटीआई और एएनपी को बरतरी हासिल है, जबकि दूसरी जानब यह भी बताता चलो कि टर्न तकरीबन 52% थी, लेकिन ये गैर खदमी गैर सरकारी नतज के मुताबिक नौशेरा और सवाबी में कहीं पे पीटीआई को बरतरी हासिल है तो कहीं पे जमीयत उलमा इस्लाम और कहीं पे अवामी नेशनल पार्टी को, लेकिन अभी तक तकरीबन 10-15% रिजल्ट आ चुके हैं। बिल्कुल सही है। गुलाम अहमद बलोच साहब, जो बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं, आपकी जानब से धांधली के इल्जाम भी लगाए, मुतमईन है इन इंतखाबात से? बिल्कुल जी, गांधी तो अच्छा, क्योंकि रात को उन्होंने एक आयन के बंदे ने आके एक जगह पे वो लगा रहे थे रात को, तो फिर वहाँ पीपल पार्टी वालों ने जाकर उसको पकड़ा, एनजी वाले भी पहुंच गए, उसको तो पुलिस के हवाले कर दिया। आज दिन में एक जगह कादराबाद एक स्टेशन है, वहाँ पर वहाँ पे आके एक आदमी उठा के ले गए और उसके बाद वहां पर पोलिंग बंद करा दी, इसमें अपना इसमें खैबर में काफी गड़बड़ हुई, काफी लोग मारे गए और ब्लास्ट भी और फायरिंग हुई, इसमें बाजारों में भी हुआ, तो काफी ज्यादा गड़बड़ हुई, पहले कभी इतनी नहीं हुई थी हमारे इलेक्शन में, आज काफी से ज्यादा हुई। बिल्कुल सही है। शौकत यूसुफ जई साहब, अमनो अमान के हवाले से जो सूरत हाल थी बड़ी ज्यादा खराब रही, क्या वजह बनी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए सबसे पहली बात तो ये देखें कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा इलेक्शन आज हो रहा है, और इतनी बड़ी तादाद में पहले कभी इतने उम्मीदवार नहीं थे, और ये 17 डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप देखें कितने उम्मीदवार थे, कितने हल्के थे, ये पहली दफा विलेज काउंसिल लेवल पे ये इलेक्शन हो रहे हैं, पहले यूनियन काउंसिल लेवल पे होते थे, अब हर यूनियन काउंसिल में 3 या 4 विलेज काउंसिल बने हुए हैं, तो हर विलेज काउंसिल के लिए लोग खड़े थे और निचले सतह के इलेक्शन थे, और मैं समझता हूँ कि जो एक्सपेक्टेशन थी, जो खौफ था कि जी बहुत बड़े पैमाने पर वो हो सकता है, झगड़े हो सकते हैं, लड़ाइयां हो सकती है, लेकिन अल्लाह का फजल, मैं तो इस पर शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का, कि 2-3 वाकयात जो हुए बड़े अफसोसनाक, उस पर बिल्कुल दिल खफा होता है, लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें तो हमारे साथ मर्ज एरिया आ चुका है, फाटा एरिया आ चुका है, उसके अंदर भी सिमल्टेनियसली वहां भी इलेक्शन हो रहे हैं। तनकीद ये हो रही है कि वफाकी वजीर को भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में नाकाम रहे हैं। नहीं देखिए, वो तो एक वाकया इस तरह हुआ है कि जाहिर है वहां पे कुछ लोग हैं जो अभी मर्ज एरिया के मुखालफत में आवाज कभी कभी उठा लेते हैं, और जो मायूस जहनियत वाले लोग हैं और उनका अपना एजेंडा होता है, उस एजेंडे के मुताबिक उन्होंने 40-50 लोग ही थे जो खुद भी वफाकी वजीर साहब ने कहा है, शिवजी फराज साहब ने, और वो 40-50 लोग एहतजाज कर रहे थे मर्ज के खिलाफ और इलेक्शन के खिलाफ, लेकिन बहरहाल ये तो एक अलग इशू है। मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये कि देखें, सूबाई हुकूमत ने कहीं पे अपने वसाइल इस्तेमाल नहीं किए, वो मशीनरी इस्तेमाल नहीं किए इंतखाबात के फायदा लेने के लिए, पूरी कोशिश की कि जो इलेक्शन कमीशन की
रिक्वायरमेंट है वो पूरी करे, बाकी तो इलेक्शन कराना है तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होती है। अगर कोई किसी को एतराज है तो बिल्कुल इलेक्शन कमीशन में जाए, अगर कहीं पे समझते हैं कि हुकूमत ने कोई वसाइल इस्तेमाल किया वो भी बता दें। बिल्कुल सही, तो बिल्कुल सही। ये तो देखिए इंतखाबात जो है वो इलेक्शन कमीशन आते हैं, वो किसी का ताबे नहीं है, बिल्कुल नहीं गवर्नमेंट का ताबे है। तो मैं ये बदकिस्मत है कि जो हारते हैं ना फिर वो पहले से दांगी के शो, अभी तो देखें इलेक्शन के रिजल्ट अभी आना शुरू हो जाएंगे। और जो तो आपके ख्याल में आप तमाम जगह से जीत रहे हैं? जरूरी नहीं है। देखें ये जो पंचायती इलेक्शन होते हैं ना ज्यादातर शख्सियात को देखा जाता है इसमें, ये पॉलिटिकल, हम इसलिए तो निचले लेवल पे हम चाहते थे कि पॉलिटिकल बेस पे ना हो ताकि पोलराइजेशन ना हो और लोग अपने उम्मीदवार को देखकर वोट दे। ये चूंकि मैंने कहा ना विलेज काउंसिल लेवल पे होता है तो ज्यादातर लोग अपने जो लोग होते हैं उनको देखकर वोट देते हैं, बिल्कुल पार्टी का अमल दखल बहुत ही कम होता है इसमें, जो मेरा एक्सपीरियंस है। बिल्कुल ठीक है, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। गुलाम अहमद बलोच साहब, आपके जो DI खान के मेयर के उम्मीदवार थे उमर खताब चरानी साहब, उनको भी कत्ल कर दिया गया, उसका इल्जाम पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फैसल करीम कुंडी साहब की जानिब से अली मीन गड्डापुर साहब पर लगाया गया है, आप इस इल्जाम की तायद करते हैं? मैं तो इस इल्जाम की तायद नहीं करता, मुझे तो कुछ पता नहीं है कि किस पर इल्जाम लगाए। मैं ये कहता हूँ कि किसने भी किया है जुल्म किया है और वो लड़का बड़ा अच्छा जंग आदमी था और उसको रात को मारा है और मारा भी ऐसा है कि वो पिस्टल के ऊपर वो साइलेंसर लगाया था कि वो फायर दो फायर हुए और गली में किसी को आवाज नहीं आई, वो बेचारा मरा मार के जमीन पर पड़ा रहा, सुबह लोगों ने देखा तो बंदा पड़ा हुआ था मरा हुआ। तो जाके ये किसने भी किया है उसका पता चल जाएगा, कोई कहीं दूर की बात नहीं, किसने किया जुलम किया जाते किया ऐसा। ये तो काफी गड़बड़ होती रही है और काफी हो रही है, नाटक जो था तो हमारी बोलने में जिसमें तकरीबन नाकाम रही है। बिल्कुल सही है। और कितने पूरे उम्मीद है कि ANP अच्छी खासी सीटें लेने में कामयाब हो जाएगी? नहीं, मैं तो ये कुछ नहीं कहता, इनका उम्मीद तो है कि हम अच्छे नंबरिंग लेंगे, लेकिन ये कि अब जो ये तो आपको पता है ये सारा सिलसिला शुरू होता है जिन्होंने जितना काम किया, गलियां बनानी है नालियां बनानी है तो सारा खुलता था PTI के पास था ना, तो वो सब बने रहते तो छोटे छोटे इलेक्शन इसमें तो शासन कम हो, वो जिसने काम किया है जिसने गली बनाई है जिसने नौकरी दी है जिसने उसको, तो लेकिन यह कि फिर भी PTI जो है तो वो तो आप मान रहे हैं PTI के पास एडवांटेज हासिल है हुकूमत में होने का इसलिए वो ज्यादा सीटें ले जाएगी? जल्द नहीं लेगी इंशाल्लाह, ये कि वो लेगी सीटें लेगी। बिल्कुल, और हमारे पास वो कोई ऐसा सही नहीं डेवलपमेंट फंड वगैरह नहीं थे तो उस वजह से हमारा वो पोजिशन नहीं होगी जो होनी चाहिए, लेकिन इसकी लेकिन फिर भी हम अच्छे रहेंगे, हमारी पोजिशन अच्छी रहेगी बुरी नहीं रहेगी। बिल्कुल सही है। शौकत यूसुफ जई साहब, DI खान के हवाले से जो इंसिडेंट हुआ है उस पर कमेंट कर दें, आप पे इल्जाम लगाया जा रहा है, अली मीन गड्डापुर साहब पे इल्जाम लगाया जा रहा है और ये कत्ल का इल्जाम है। देखिए अफसोसनाक वाक्य है, इस वाक्य की मजम्मत करते हैं और क्योंकि हम गवर्नमेंट के अंदर हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं नहीं समझता कि कोई भी पोलिटिकल वर्कर जो है किसी पोलिटिकल वर्कर पे इस तरह का वार कर सकता है और उसमें जरूरत क्या पड़ती है, आप मुझे बताएं उसका फायदा किसको होता है। तो ये बिल्कुल गलत बुनियाद है इल्जाम और मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस तरह के इल्जाम लगाने वाले जो है वो खुद अपने गिरबान में देखें कि क्या वो ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल जो मुखालफत होती है उसको वो करने के लिए इतना बड़ा इल्जाम लगाना मैं नहीं समझता कि कोई अच्छी बात है, अच्छी रिवायत भी नहीं है। ये काम गवर्नमेंट का है कि वो पुलिस का है कि वो उसको इन्वेस्टिगेट करें, जिस तरह बिलोर साहब ने कहा कि इन्वेस्टिगेट होना चाहिए और कल्प्रिट्स का मालूम होना चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। ये इस तरह की जो सियासी इल्जाम है ना ये कोई अच्छी रिवायत नहीं कायम करते हैं। बिल्कुल सही। शौकत यूसुफ जई साहब, गुलाम अहमद बलोच साहब, अजमत कुल साहब, आप तीनों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले ब्रेक में पोलियो पर बात करेंगे। पोलियो का मर्ज अभी भी पाकिस्तान में मौजूद है, दो ही ममालिक दुनिया भर में ऐसे हैं जहां पर पोलियो अभी भी एग्जिस्ट करता है, इसकी वजूहत क्या है, इससे कैसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है, छोटे से ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। पोलियो पाकिस्तान में अभी भी एग्जिस्ट करता है। पहले भी बताया कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर से पोलियो बिल्कुल खत्म हो गया। आपको चाहिए, वालदैन को चाहिए, सोसाइटी का भी ये फर्ज बनता है कि अपने बच्चों को मुश्किल माजूरी से बचाएं और इसके लिए एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। आपको सिर्फ ये करना है कि अपने बच्चे को सिर्फ पोलियो के कतरे पिलाने हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में मनफी प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा हुआ, जिसकी वजह से पोलियो जैसी अच्छी कैंपेन भी मुख्तलिफ तजादात का शिकार रही, मुख्तलिफ एक तरह से कॉन्ट्रोवर्सीज का शिकार रही, जो कि नहीं होना चाहिए था। अब क्या चैलेंजेस है पोलियो की इरेडिकेशन में पाकिस्तान में, इस पर बात करते हैं। डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बराए सेहत है, हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहिबा, पाकिस्तान अभी तक पोलियो खत्म क्यों नहीं कर सका है? देखें जी, इसके मल्टीपल वजूहत थी जो कि हमें बहुत सारे चैलेंजेस थे, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो रिफ्यूजल का था। बहुत सारी ऐसी जगह थी, खासतौर पर फार फ्लंग एरियाज जो ट्राइबल एरियाज के थे, जो अनएसेसिबल भी थे और जहां पर रिफ्यूजल रेट बहुत ज्यादा था। और ये वो तकरीबन बॉर्डर एरिया था जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो एरिया बनता है, जो बेल्ट बनती है। एक तो ये हमारे लिए चैलेंज था, दूसरा हमारे लिए जो अफगानिस्तान के अंदर जो पोलियो केसेस थे वो चूंकि जब तक वहां से टोटली खत्म नहीं होंगे, चूंकि क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा मूवमेंट होती थी अक्रॉस द बॉर्डर्स, तो उसकी वजह से भी चूंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को एक सिंगल एपिडेमियोलॉजिकल ब्लॉक कंसिडर किया जाता है, तो जब तक अफगानिस्तान में से क्लियर नहीं होता, पाकिस्तान भी उसको क्लियर नहीं समझता। मगर हुआ यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले जनवरी से लेके अब तक जो है पाकिस्तान में कोई केस जो है वो रिपोर्ट नहीं हुआ है, जबकि अफगानिस्तान के जो प्रोविंस कुंदुज है, कुंदुज में एक केस पिछले दिनों रिपोर्ट हुआ है, जिसकी वजह से हम समझते हैं कि अभी भी हम इस खित्ते को जो है वो पोलियो फ्री डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। तो ये इश्यूज थे जाहिर है, और उसके अलावा हमारे बच्चों में मेल न्यूट्रिशन और दूसरी चीजें हैं जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी लो होती है, वो ज्यादा पोलियो वायरस को प्रोन होते हैं। तो इसको हुकूमत ने अपनी डिफरेंट पॉलिसीज इसके इन तमाम चीजों को रोशनी में रखते हुए बनाई है और उसके हमें मुस्बत नतज मिले हैं। और सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव हुआ है वो ये कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो कि पोलियो टास्क फोर्स को हेड करते हैं, उन्होंने जो लोकल इंतजामिया थी, जो डीसीज थे, खासतौर पर उन 25 डिस्ट्रिक्ट के जो हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट थे, उनसे डायरेक्ट जो है वो उनको ऑन बोर्ड लिया और उसका हमें बड़े अच्छे नतज मिले कि वहाँ के डीसीज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और आपके सामने रिजल्ट है, ये जनवरी के बाद से पोलियो का कोई केस पाकिस्तान में रिपोर्ट नहीं, अक्टूबर में एक केस रिपोर्ट हुआ है पोलियो का। उस तरह से वो जो वाइल्ड पोलियो वायरस है उसका केस अभी तक जो है वो हमारे पास नहीं आया। वो जो एक एनवायरमेंटल सैंपल है वो पॉजिटिव आया है, वो केस नहीं है, वो एनवायरमेंटल सैंपल जो है वो हमें टांग के एरिया में पॉजिटिव मिला है जी। अच्छा, दूसरा ये बताइए कि अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि इसको पोलियो हो रहा है या हो जाएगा, तो अलामत क्या हो सकती है मुमकिन तौर पर? देखिए जी, पोलियो वायरस जो है वो अभी तक हमारे सिस्टम में मौजूद है और एडल्ट्स जो होते हैं उनके अंदर भी ये पोलियो वायरस मौजूद होता है, मगर वो सिम्टम फ्री होते हैं। बच्चों को जो पोलियो होता है वो उसके बाकी सिम्टम्स कई दफा, तो वो जो असल खतरा होता है वो तब होता है जब बच्चे पोलियो के वजह से पैरालिसिस का शिकार हो जाए, जिसको एपीएफ कहते हैं, एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस। तो उसमें जाहिर है कि बच्चों की टांगों में जो कमजोरी है वो नजर आती है और वो बच्चा जो है वो चलने फिरने से जो है वो कासिर हो जाता है। तो उसके अलावा पोलियो इफेक्ट तो बहुत ज्यादा लोगों को करता है, मगर जाहिर तभी होता है जब वो पैरालिसिस करे। तो पैरालिसिस जो है वो बेसिकली मेन इसका वो सिम्टम है जिसकी वजह से माजूरी का खतरा होता है कि उम्र भर की। ये कोविड की वजह से भी लोग एहतियाती तदाबीर अख्तियार करते हैं और उनको लगता है कि शायद अगर पोलियो वर्कर उनके बच्चों को कतरे पिला रहा है तो उससे कोविड भी हो सकता है, तो इस हवाले से खास कोई हिफाजती इंतजाम किए गए हैं? देखें जी, मैं समझती हूँ कि पोलियो की कैंपेन जो है वो जरूर कुछ महीने जो है वो रुकी रही थी, क्योंकि कोविड जिस वक्त बहुत जोर में था तो हमें पोलियो वर्कर्स को डाइवर्ट करना पड़ा था कोविड के लिए। मगर पिछले जून 2020 से अब पोलियो की तमाम कैंपेन्स जो हैं वो रेगुलर चल रही हैं और
इस दौरान जो है वो हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, रिफ्यूजल जो है वो बहुत कम हो गया है, बहुत मेजॉरिटी जो है वो एरियाज में जो टारगेट रखा जाता था बच्चों का उससे हम लोग ज्यादा ही अचीव कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि इस तरह की बात नहीं है, पेरेंट्स जो है वो अवेयरनेस कैंपेन्स जो चली है उसकी वजह से ये बिल्कुल पेरेंट्स के अंदर रिफ्यूजल रेट जो है वो बहुत कम हो गया है और बच्चे जो है वो अब सब अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रहे हैं। और ऐसी बात नहीं है कि जो रिफ्यूज करते थे वो सिर्फ मिसकंसेप्शन की वजह से करते थे, कोविड की वजह से हमें कोई कंप्लेंट नहीं आई। डॉक्टर साहब, अभी हाल ही में हमने देखा है कि 2-3 पोलियो वर्कर्स टीम्स पर हमले भी हुए हैं, तो हम सिक्योरिटी के हवाले से भी कॉन्शियस हैं और किस तरह के इकदाम उठाए जा रहे हैं कि जो पोलियो वर्कर्स कतरे पिलाने जाते हैं उनकी मुकम्मल तौर पर हिफाजत की जा सके? जी, ये थोड़ा सा एक हमारे साथ ये बिल्कुल है इशू है, मगर अब जो पोलियो की टीम्स जाती हैं उनके साथ सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं उनके नुमाइंदे जो होते हैं उनके साथ भेजे जाते हैं टीम्स के साथ, और ये पूरी एक टीम है जो कि मूव करती है। तो कोशिश पूरी यही होती है, दो एक नाखुशगवार वाकयात हुए हैं और जो उनको एड्रेस किया जा रहा है और जहां कहीं पे भी सिक्योरिटी लैब्स आया है उसको चेक किया जा रहा है। और कब तक हम पाकिस्तान से पोलियो रेडिकेट मुकम्मल तौर पर करने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए जी, हमें उम्मीद बहुत है कि ये आने वाला साल जो है ये ईयर ऑफ इंटरप्शन होगा, यानी कि इस साल हम पोलियो का की जो एक चेन बनी हुई थी उसको इंटरप्ट कर देंगे। और इसके लिए बहुत सारे इकदाम लिए गए हैं, एक्चुअली 40 हाई रिस्क यूसीज हैं, यूनियन काउंसिल्स हैं जहां पोलियो वायरस इस वक्त सिस्टम में मौजूद है, एनवायरमेंटल सैंपल्स में उसकी मौजूदगी हमें मिलती है। इन एरियाज के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है, एक तो नेशनल कैंपेन्स होती है जो पूरे मुल्क में होती है और जो सब नेशनल कैंपेन्स हैं वो इंटरमीडिएट बीच बीच में वो भी की जाती है और वो फोकस होती है उन एरियाज पे जहाँ पर एनवायरमेंटल सैंपल्स पॉजिटिव होते हैं। तो इस स्ट्रेटजी के ऊपर अब हम चल रहे हैं और इसको चूंकि डिप्टी कमिश्नर्स हर जगह के खुद मॉनिटर कर रहे हैं तो ये सिस्टम बड़ा स्ट्रेंथन हो गया है। तो हमें बहुत उम्मीद है कि आने वाला साल जो है वो पोलियो के खात्मे का साल होगा। हमने 2005 में देखा था पोलियो केसेस बिल्कुल खत्म हो गए थे लेकिन री इमरजेंस हो गई थी, इस हवाले से भी खास इकदाम कोई जहन में रखे गए हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं समझती हूँ कि जो हमारा नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर NEOC है और उसके साथ तमाम प्रोविंसेस में प्रोविंशियल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स हैं, वो इन तमाम जो डेटा हमारे पास कलेक्ट होता है हर कैंपेन के अंदर और जो एनवायरमेंटल सैंपल्स की जो सैंपलिंग की जाती है उसकी रोशनी में ऐसी स्ट्रेटजीज बनाई जा रही है कि इंशाल्लाह ताला हम इस पोलियो वायरस को कंटेन करने में कामयाब हो जाएंगे। डॉक्टर नौशीन साहिबा, मजहब के हवाले से बहुत ज्यादा तरकीब अगर मिले तो फिर हमारे यहाँ पेरेंट्स बच्चों को कतरे वगैरह पिलाते हैं, तो इस सिलसिले में उलमा इकराम को एंगेज किया जा रहा है? जी बिल्कुल, जो हमारे उलमा कराम है उनका एक बड़ा मौसर किरदार रहा है, खासतौर पर ट्राइबल एरियाज में और देहातों में जहाँ पे रेजिस्टेंस आती थी कतरे पिलाने से, लोग घबराते थे, उन लोगों ने बिल्कुल मस्जिदों के अंदर भी इस चीज के बारे में मैसेज दिया गया गांवों में और इनका बड़ा एक पॉजिटिव रोल रहा है और इसकी वजह से मैं समझती हूँ कि जो रिफ्यूजल रेट जो है उसमें एक वाज़े कमी आई है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा, आप हमारे साथ ही। शो का वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।